हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डिलीट कमांड, हाउ टू यूज डिस्टिंक्ट और ऑर्डर बाय। डिलीट कमांड हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि डिलीट कमांड करता क्या है। तो डिलीट कमांड कैन बी यूज टू डिलीट ए रो इन ए टेबल। अगर हम किसी टेबल में पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू सेमीकॉलन। उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ये कमांड क्या करेगा? डिलीट कर देगा। सपोज करो कि हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, राइट। अब इस एम्प्लॉय टेबल का एक रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, एक रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमें डिलीट कमांड यूज करना है। तो हम लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू E03 सेमी कॉलन। ये उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा एम्प्लॉय टेबल से जिसका EMPID E03 है। फिर एक डिलीट कमांड का एक और फॉर्म है जिसमें हम पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, नॉट ओनली वन रिकॉर्ड, नॉट ओनली वन रो, ऑल रो को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उस टेबल के स्ट्रक्चर को जो आपने क्रिएट कमांड से यूज किया है, क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है, वो डिलीट हो जाएगा। केवल उस टेबल का सारा डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट ऑल डेटा, वी कैन ऑल्सो डिलीट ऑल रोज इन ए टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। विदाउट डिलीटिंग द टेबल का मतलब हो गया कि आप उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए, जब हम टेबल के स्ट्रक्चर को बना रहे थे तो किस कमांड को यूज कर रहे थे? क्रिएट कमांड को ना। तो उसी क्रिएट कमांड को यूज करके जो स्ट्रक्चर हमने शुरू में बिगिनिंग में बनाया, क्रिएट किया, उस स्ट्रक्चर को नहीं आप डिलीट करेंगे। आप किसको डिलीट कर रहे हैं? ऑल डेटा को, जो उसमें स्टोर्ड डेटा है, जो वैल्यू है, उसको आप डिलीट कमांड यूज करके सारे डेटा को, नॉट ओनली वन रिकॉर्ड, नॉट ओनली वन रो, ऑल रोज को आप डिलीट कर सकते हो। इसके लिए क्या सिंटेक्स होगा? इसके लिए सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सेमी कॉलन, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डिलीट फ्रॉम, डिलीट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम सेमी कॉलन। अब अपने इस एग्जाम्पल में, जिस टेबल का हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, उसमें हम मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो हम क्या कमांड लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सेमी कॉलम, या
डिलीट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लिखेंगे। इससे क्या होगा, पूरा डेटा जो है उस टेबल का, एम्प्लॉय टेबल का, डिलीट हो जाएगा। अब इस डिलीट कमांड का दोनों फॉर्म को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो हमारे पास जो टेबल है उस टेबल को सेलेक्ट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको पहले सारा डेटा दिखा देते हैं कि इस एम्प्लॉय टेबल में कितना डेटा है। तो इस एम्प्लॉय टेबल में टोटल हमारे पास 7 रोज हैं, 7 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर रखा है। अब हम डिलीट कमांड यूज करते हैं जिससे कि एक रो जो है, एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या कमांड लिखा है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू E03 सेमीकॉलन। अब इस ये कमांड जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखिए क्या मैसेज कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि आपके टेबल से वह पर्टिकुलर EMPID का रिकॉर्ड डिलीटेड हो चुका है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, E03 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो अब हम इसको कैसे देखें, तो आप फिर जानते हैं कि टेबल के डेटा को देखने के लिए आपको सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल नेम यूज करना पड़ेगा। तो हमने फिर उसी तरीका, उसी कमांड को यूज किया, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकॉलन। अब ये हमें क्या दिखा दिया कि आपके टेबल से वह जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड था वह ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब हम लोग अगेन asterisk, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय आपको फिर दिखा रहे हैं। अभी पिछले तुरंत देखे हैं हम लोग कि टेबल से रो कैसे डिलीट हो रहा है। डिलीट होने के बाद आपके टेबल में ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब डिलीट कमांड का दूसरा फॉर्म जो है, जो कि ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ऑलरेडी हमने बता चुका कि उसके लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या डिलीट asterisk फ्रॉम टेबल नेम, ये दोनों में से कोई एक कमांड आप यूज कीजिए। तो हमने यहाँ पर यूज किया है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सेमी कॉलम जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं, यानी कि अभी 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है, वो सारा डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या है, कोई डेटा नहीं, एम्प्टी सेट दिखाएगा। मैसेज क्या आएगा, इट इज एम्प्टी सेट, मतलब कोई डेटा नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि उस टेबल का केवल डेटा चला गया है, उस टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट हुआ है, तो आप सिंपल कमांड एक है, क्या है कमांड याद करो, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से हम लोग क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो फिर हम डिस्क्राइब कमांड यूज किए, तो देख लीजिए, एम्प्लॉय डिस्क्राइब DESC एम्प्लॉय सेमीकॉलन। अब इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो हो जाएगा। देखिए शो हो रहा है, EMPID, ईनेम, डेप्ट, डेजिनेशन, हायर डेट एंड सैलरी। टाइप क्या है, वैरकर 5 है EMPID, ई नेम भैरकर 20 है, डेप्ट भैरकर 20 है, डेजिनेशन भैरकर 15 है, हायर डेट का डेटा टाइप डेट ही होता है, सैलरी का डेटा टाइप इंट है। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि आपका केवल डेटा रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है, आपके टेबल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वह एज इट इज है, इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि डिलीट का दो फॉर्म है, एक
डिलीट कमांड यूज करके आप किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हो, और डिलीट कमांड को यूज करके आप इंटायर डेटा को, इंटायर रिकॉर्ड को किसी टेबल से डिलीट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग सीखते हैं डिस्टिंक्ट। ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, इसका यूज अगर हम सेलेक्ट कमांड के साथ करें तो क्या होगा। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा टेबल है, उस टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो रिकॉर्ड है, वैल्यू है, वो रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट है। जैसे मान लो कि नेम है, तो नेम कॉलम, नेम के अंदर आप देखेंगे एक ही नाम कई जगह आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट सी है। अब हम चाहते हैं कि ये डुप्लीकेसी नहीं हो, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज टेबल के अंदर दो बार तीन बार आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये नहीं हो, रिपीटेशन हमको डिस्प्ले नहीं हो, हम उसको अलग करना चाहते हैं, डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट जब आप सेलेक्ट कमांड के साथ यूज कर देंगे तो वह रिपीटेड डेटा को छोड़ेगा। रिपीटेड डेटा मतलब अगर मान लीजिए तीन बार है, थ्री टाइम्स है, तो वह केवल वन टाइम रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा को। अगर एक ही नाम तीन जगह आ रहा है तो वह एक बार डिस्प्ले कर रहा है, ये नहीं कि तीन बार उसको रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं। देखो, अगर मान लो कि ईनेम के अंदर लिखा हुआ है सौरव, फिर फर्स्ट रो में लिखा हुआ है सौरव, फिर थर्ड रो में लिखा हुआ है सौरव, फिर फिफ्थ रो में लिखा हुआ है सौरव, तो क्या हो रहा है, ये तो रिपीटेशन है। तो जब आप डिस्टिंक्ट कमांड यूज करोगे तो अगर आप लिखते हो कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम टेबल, तो क्या करेगा, डिस्टिंक्ट के साथ उस ई नेम में जो थ्री टाइम्स सौरव है उसमें से वन टाइम सौरव डिस्प्ले करेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम सेमी कॉलम। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सेमी कॉलम। अब एक इसका एग्जाम्पल रन करके देखते हैं कमांड को, सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, जिसमें पांच रिकॉर्ड हैं, E01 एम्प्लॉय आईडी, ई नेम रंजीत, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, डेजिनेशन मैनेजर, हायर डेट 14 मई 2020, सैलरी 15,800। दूसरा है EMP ID E02 रमन्ना, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, डेजिनेशन मैनेजर, हायर डेट 15 मई 2018, सैलरी 17,500। और अगेन नेक्स्ट E03 योगेश, डिपार्टमेंट अकाउंट, डेजिनेशन अकाउंटेंट, और हायर डेट है इसका 23 मार्च 2015, और सैलरी है 19,500। फिर एक है E04 कोमालन्ना, और डिपार्टमेंट है सिविल, और डेजिनेशन है इंजीनियर, और इसका जो हायर डेट है 25 अगस्त 2016, और इसकी सैलरी 17,400 है। और एक लास्ट रिकॉर्ड जो इंसर्ट है वो है E05 EMP ID के अंदर, ई नेम के अंदर रमन्ना, और अगेन देखिए यही नाम जो रिपीट हो गया है। E02 वाले रो में भी ई नेम के अंदर रमन्ना है, और E05 के अंदर भी ये ई नेम के अंदर रमन्ना है, और डिपार्टमेंट सैलरी है, डेजिनेशन मैनेजर है, इसका हायर डेट है 20 अगस्त 2019, और सैलरी है 21,400। ये टोटल आपका डेटा उस टेबल में है। अब आप डिस्टिंक्ट क्लाउज को यूज करना चाहते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट, और किसके साथ यूज कर रहे हैं, किस कॉलम के साथ, ये भी ध्यान रखना है।
डिस्टिंक्ट को आप किस कॉलम के साथ यूज करना चाहते हैं, जिस कॉलम के साथ आप यूज करेंगे उस कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे उसको वो नहीं शो करेगा. सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सेमी कॉलम. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में ई नेम का जो कॉलम है उसका डिस्टिंक्ट मतलब उसमें जो रिपीटेशन है उसको हम हटा रहे हैं, रिमूव करके डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं. तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप देखिए कि इसमें दिखा रहा है ई नेम के अंदर रंजीत, रमन्ना, उसके बाद योगेश, उसके बाद दिखा रहा है कमलन्ना, और उसके बाद जो लास्ट फिर अगेन रमन्ना है उसको उस रिपीटेशन को ये छोड़ दिया है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिस्टिंक्ट कमांड. समझ में आ रहा है, यही डिस्टिंक्ट कमांड का बेनिफिट है कि आप अपने टेबल से रिपीटेड डेटा को छोड़ सकते हैं और केवल जो वन टाइम डेटा है उसको ही डिस्प्ले कर सकते हैं. होप यू कुड अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है ऑर्डर बाई. ऑर्डर बाई में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डेटा को इंसर्ट भी कर देते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. तो एसक्यूएल के अंदर इसके लिए कमांड है ऑर्डर बाई. सेलेक्ट के साथ, सेलेक्ट कमांड के साथ ऑर्डर बाई क्लाउज को आप यूज़ कीजिए, कीवर्ड को यूज़ कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो होगा आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. इफ वी वॉन्ट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन ऑर्डर बाई विथ सेलेक्ट कमांड इज यूज. इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कॉलम नेम, ए एस सी असेंडिंग और डी ई एस सी डिसेंडिंग सेमी कॉलम. अब इस कमांड को यूज करते हुए हम अपने टेबल एम्प्लॉय पर एक एग्जांपल लेते हैं. अब हम सैलरी जो है उसको अरेंज करना चाहते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में. सो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट सैलरी, जिस कॉलम को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं उसका नाम, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई उसके बाद किस कॉलम को, सैलरी और असेंडिंग ए एस सी सेमी कॉलम. अब चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. अब यहाँ पर जो एक टेबल है मेरे पास उसको हमने शो कर दिया है कि इतने डेटा मेरे टेबल के अंदर हैं. आप देखेंगे E01, E02, E03, E04, E05 और सैलरी में देखिए 15,800, 17,500, 19,500, 17,400, 21,400. अब ये इसके अंदर स्टोर्ड है. अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको अरेंज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं. तो कमांड लिखा है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी ए एस सी सेमी कॉलम. अब ये क्या कर रहा है कि उस टेबल एम्प्लॉय टेबल का जो सैलरी कॉलम में वैल्यूज है उसको क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमको डिस्प्ले करेगा. हमको जो डेटा डिस्प्ले करेगा वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा. तो देखिए, तो पहले 15,800 शो किया है, फिर 17,400 शो किया है, उसके बाद 17,500 शो किया है, उसके बाद 19,500, उसके बाद 21,400. तो ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा.
काफ़ी आपने पसंद किया होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू थैंक यू।